हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपको मेरे चैनल रेखा माही टिप्स में। फ्रेंड्स, मैं रेखा माही टिप्स में जाने से पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश मेरी है कि मेरा एक दूसरा चैनल है रेसिपी सेंटर। तो फ्रेंड्स, मैं चाहती हूँ कि आप मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो और मेरी बहुत सारे पकवान उस वीडियो में आती रहती है। तो फ्रेंड्स, मैं चाहती हूँ कि आप मेरे उस वीडियो में भी जाएं और मेरे सारे रेसिपी को देखें। और अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर लेना। तो फ्रेंड्स, इसी तरह से वीडियो में बने रहिए। तो चलिए अब रेखा माही टिप्स की और चलते हैं। तो फ्रेंड्स, जब भी आप स्कूटी चलाने के लिए सीखते हो तो छोटी छोटी बातों को ध्यान में रखते हुए अगर स्कूटी चलाने के लिए सीखते हो तो बहुत ही परफेक्ट राइडर आप बन सकते हो। तो फ्रेंड्स, आज मैं दिखाऊंगी कि जब आप रास्ते में निकलते हो तो सारे रास्ते एक जैसे नहीं होते हैं। बहुत सारे ऐसे रास्ते होते हैं, बहुत सारे ऐसे मोड़ होते हैं जहाँ पे रास्ते बहुत ही ख़राब होते हैं। तो उन ख़राब रास्तों में आप स्कूटी कैसे चलाओगे? तो बहुत दिनों से कमेंट्स भी आ रही थी कि मैम, ख़राब रास्ते में स्कूटी का बैलेंस मुझसे नहीं बन रहा, स्कूटी का बैलेंस बिगड़ जा रहा, एक्सीलेटर को मैं कंट्रोल नहीं कर पा रही हूँ, हैंडल मेरा घूम जा रहा। तो फ्रेंड्स, आज मैं बस वही बताने वाली हूँ कि ख़राब रास्ते में जब आप जाते हो तो किन किन नियमों का आपको पालन करना है, एक्सीलेटर को कंट्रोल कैसे करना है, हैंडल को सीधा कैसे रखना है। तो फ्रेंड, आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है। मेरी छोटी छोटी टिप्स को फॉलो करो। अगर छोटे छोटे टिप्स को फॉलो करते हो तो बहुत ही ईजिली और परफेक्ट तरीके से खराब भी रास्ते में भी आप स्कूटी चला सकते हो। तो फ्रेंड्स, इसी तरह से वीडियो में बने रहिए। पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो पे लाइक करना। पहली बार चैनल में आए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए फटाफट वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, प्लेन रास्ते में और अच्छे रास्ते में स्कूटी तो लगभग सभी चला ही लेते हैं। और जब स्कूटी चलाने के लिए सीखते हैं तो मेन होता है ऊबड़ खाबड़ रास्ते में स्कूटी चलाना। तो वहाँ पे स्कूटी को कंट्रोल कैसे करेंगे, एक्सीलेटर को कंट्रोल कैसे करेंगे और हैंडल को सीधा कैसे करेंगे, तो आज मैं यही बताने वाली हूँ। तो ये देखिए, स्कूटी को मैंने स्टार्ट किया तो इस तरह के जहाँ प्लेन रास्ते होते हैं वहाँ पे बहुत ही इजीली और परफेक्ट तरीके से आप स्कूटी चला लोगे, आपको किसी भी तरह की प्रॉब्लम नहीं होती है। लेकिन फर्स्ट टाइम जब स्कूटी चलाने के लिए सीखते हो तो छोटी छोटी बातों को ध्यान में रखते हुए ही स्कूटी चलाने के लिए सीखना है। तो बहुत ही आराम आराम से इस तरह से जब आप स्कूटी चलाते हुए किसी ऊबड़ खाबड़ रास्ते की ओर जाते हो तो वहाँ पे आपको घबराना बिल्कुल नहीं है। बस टर्निंग में थोड़ा सा ध्यान रखना है, टर्निंग में इंडिकेटर ले, हॉर्न बजाए और आसपास देखते हुए रोड को क्रॉस करें। और जहाँ चरमोहा रास्ता आता है वहाँ पे बहुत ही सावधानी से रास्ते को क्रॉस करें, इंडिकेटर भी दे और हॉर्न भी बजाए। तो चलिए अब हम ऊबड़ खाबड़ रास्ते की ओर जाने वाले हैं। तो ये देखिए, मैंने हाथों को कैसे इंडिकेटर के ऊपर में रखा है और हॉर्न भी हमें बजाना है। तो इन्हीं सभी बातों को ध्यान में रखते हुए हमें रोड की ओर चलना है। तो ये देखिए रास्ते, देखिए रास्ते बहुत जगह रास्ते बहुत ही ख़राब होते हैं। तो ये हल्का फुल्का ऊबड़ खाबड़ रास्ता है, मतलब यहाँ पे रास्ता थोड़ा सा बेटर ही है, ज़्यादा मैं इस रास्ते को ख़राब नहीं बोलूँगी। तो अब मैं जाऊँगी जहाँ पे रास्ता बिल्कुल ख़राब है। तो यहाँ पे देखिए ये रास्ते कितने ख़राब है, बड़े बड़े गड्ढे हैं और बीच से रास्ता कटा हुआ भी है। तो बहुत सारे ऐसे रास्ते आते हैं जहाँ पे बहुत ही डैमेज रास्ता होता। तो यहाँ पे करना क्या कि इस तरह से देखिए, मैं स्कूटी को नीचे से ऊपर लेके आ रही हूँ। तो यहाँ पे इस मैं वीडियो को स्लो की हूँ क्योंकि आपको अच्छी तरह से दिखा सकूँ और समझा सकूँ। तो इस तरह से जब आप नीचे की से ऊपर की ओर आते हैं तो आपको घबराना बिल्कुल नहीं है। आप ख़राब रास्ते के पास में पहुँच कर धीरे से पैरों को ऐसे नीचे कर ले। और यहाँ पे करना क्या है कि एक्सीलेटर को हल्का सा तेज करना है। ध्यान रखें, एक्सीलेटर को हल्का सा तेज करें, ज़्यादा बिल्कुल तेज़ नहीं करना है। एक्सीलेटर को तेज करते हुए धीरे से दोनों पैर को ज़मीन पे रख ले, क्योंकि जब आप दोनों पैर को ऊपर कर लोगे तो हो सकता है स्कूटी का आपका डिसबैलेंस हो जाए और स्कूटी लेके आप गिर पड़ो। तो दोनों पैर को धीरे से या हल्का सा नीचे रखते हुए इस तरह से आप एक्सीलेटर को हल्का सा तेज करते हुए बहुत ही आराम आराम से धीरे धीरे स्कूटी के बैलेंस को, यहाँ पे ध्यान रखिए आपको स्कूटी का बैलेंस को संभालना है। तो स्कूटी के बैलेंस को संभालते हुए धीरे धीरे आराम आराम से इस तरह से ख़राब रास्ते को पार करो।
तो यहाँ पे देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, और जहाँ आपको लगे कि नहीं आपका कॉन्फिडेंस बढ़ गया है, आप ख़राब रास्ते से स्कूटी को इजीली निकाल लोगे, तो दोनों पैर को ऊपर करके इस तरीके से आप एक्सीलेटर को हल्का सा तेज करते हुए ख़राब रास्ते से इस तरह से निकल पड़ो। तो फ्रेंड्स, हर ख़राब रास्ते में बस एक्सीलेटर को हल्का सा तेज करें और गड्ढे से निकल पड़ो। जहाँ पे आपको लगे कि आप स्कूटी को नहीं निकाल पा रहे हैं, पैरों को नीचे करके एक्सीलेटर को तेज करके धीरे धीरे स्कूटी को गड्ढे से बाहर निकालो। अगर आप एक्सीलेटर तेज़ नहीं करोगे, इसी तरह से गड्ढे में चलते हो, तो आपकी स्कूटी वहीं पर फंसी रह जाएगी और फिर आप स्कूटी को उस गड्ढे से नहीं निकाल पाओगे। इसीलिए मैं कहती हूँ कि एक्सीलेटर थोड़ा सा तेज करते हुए आराम आराम से पैरों को नीचे रखते हुए इस तरीके से आप स्कूटी को गड्ढे से निकालो। और फिर अगर गड्ढे हो और साइड से हल्का सा रास्ता दिखे, तो इस तरीके से आप साइड से भी स्कूटी को आराम आराम से निकाल सकते हो। फ्रेंड्स, आपने देखा ना, छोटे छोटे आइडिया को फॉलो करते हुए कितना इजीली और परफेक्ट तरीके से आप खराब रास्ते से भी अपने स्कूटी को निकाल सकते हो। बस एक्सीलेटर को कंट्रोल करना है, हैंडल को अपने कंट्रोल में रखना है, तो बस छोटे छोटे नियमों का आप पालन करते रहें, मैं जैसे बताती हूँ सेम उसे फॉलो करते रहें, तो बहुत ही इजीली खराब रास्ते से भी आप स्कूटी को निकाल लोगे। तो इसी तरह से वीडियो में बने रहिए, पसंद आए तो लाइक कर देना, पहली बार चैनल में आए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो फिर से मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टिप्स के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय।